मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये इसका लास्ट टॉपिक है। डिफेंस का लास्ट टॉपिक है आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल रक्षा प्रणाली। तो देखिए, मेनली हमारे यहाँ पर जो मिसाइल है उसमें से जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो हमारे ऊपर अगर दागी जाए, तो हमने जो सिस्टम बनाया है वो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए स्पेशली वर्क करेगा। किसके लिए? जो इस तरीके से मान लीजिए पाकिस्तान ने हम पर एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, उसको हम नष्ट करेंगे इस फेज़ में, यहाँ पर, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, उस हिसाब से सिस्टम हमने बनाया। तो मैक्सिमम हमारा सिस्टम किसके लिए है? बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, ये है। क्योंकि जो दूसरी मिसाइल होती है वो तो बिल्कुल नीचे ही गत करती है, तो वो रडार की उसमें आती ही नहीं जल्दी से। क्रूज़ मिसाइल की यही खूबी है, क्रूज़ मिसाइल जल्दी से रडार की रेंज में ही नहीं आती, चाहे जितना नीचे पर उसको चला लेते हैं, ये है। तो इसीलिए जो ज़्यादातर सिस्टम हमारे यहाँ बने हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल के, यानी हमारा जो मिसाइल सिस्टम वो कैसा है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा। और चाहे फिर वो ट्रेडिशनल वॉरहेड के साथ हो और चाहे न्यूक्लियर, है ना, दोनों के लिए ये। तो तीन फेज पे हम वर्क करते हैं। अगर कोई मिसाइल आएगी बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे करके, तो तीन जगहों पर हम उसको रोक सकते हैं। जहां पर या फिर पहला कहलाता है बूस्ट फेज। अगर हम यहाँ पर नष्ट करते हैं तो ये बूस्ट फेज है आपकी, बूस्ट फेज। अगर यहाँ पर बीच में है तो इसको मिड फेज कहते हैं। और ये होती है टर्मिनल फेज। तीन जगहों पर हम मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। बूस्ट फेज कब होता है? जब मिसाइल छोड़ी जाती है। और जब छोड़ी जाती है तो सबसे पहले जब रॉकेट स्टार्ट होता है तो बहुत सारी गैसेस और शाइनिंग, इसीलिए आप देखते हैं जब आपका रॉकेट उड़ता है, मिसाइल की बात नहीं कर रहे हैं, आपने देखा होगा सैटेलाइट वाला, तो आग जलती हुई नीचे दिखेगी, लेकिन ये सिर्फ 3 मिनट की रहता है, उसके बाद फिर धुआं धुआं, है ना। तो शुरू के 3 मिनट में बहुत सारी लाइटनिंग और गैस और धुआं छूटता है जब सॉलिड फ्यूल जलता है स्टार्टिंग में, तो वही फेज कहलाती है बूस्ट फेज। जिस समय मिसाइल के पीछे से बहुत सारा गैस और धुआं लाइटनिंग के साथ हमें दिखाई दे, लेकिन ये फेज सिर्फ 3 मिनट 180 सेकंड के लिए होता है। और इसी ड्यूरेशन में अगर हमने इसको नष्ट कर दिया तो बड़ी बात है, और स्पीड भी कम होती है। तो यहाँ पर हमला करने के लिए हम इस पर हमला कहाँ से कर सकते हैं? किसी ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हमारा ड्रोन वहाँ पर है तो उससे है अटैक कर। रडार, यहाँ पर ये रडार लगा हुआ है, इस रडार ने बताया कि मिसाइल छोड़ दी गई, इस रडार से हमें पता चला, ठीक है। तो हमारा ड्रोन अगर वहाँ पे उड़ रहा है तो हमने जैसे ही हुआ, और ये लेकिन कितनी देर के लिए होती है? सिर्फ 180 सेकंड के लिए। इतनी देर में स्पीड भी कम होती है और हम उसको पता, रडार हमारा उसको क्या है, पता कर लेता है। क्योंकि जब बूस्ट यानी जब मिसाइल की शुरुआत होती है उसको बूस्ट फेज कहते हैं, और उस समय खूब आग, फायर, गैसेस
लाइट खूब तेज़ी से निकलती है, आप लोगों ने देखा होगा रॉकेट छूटता है तब भी यही होता है, ठीक है। लेकिन इस 3 मिनट में मिसाइल को गिराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक पता चलेगा तब तक निकल जाता है। ये होती है आपकी बूस्ट फेज। दूसरी है कि आप मिसाइल मिडिल फेज में पहुंच जाए, यानी ऊंचाई पर जहां तक जाना है, ठीक है। ये वाला फेज 20 मिनट का होता है, क्योंकि मैक्सिमम 20 मिनट में आपको पता है 5000 किलोमीटर हमारी बैलिस्टिक मिसाइल पहुंच गई थी, तो उसी बीच में होना है जो होना है। तो बाकी का मैक्सिमम टाइम कौन सा होता है? 20 मिनट मिड फेज, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल। जो हमारी एंटी मिसाइल है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेप्टर मिसाइल। हाँ, याद आ गया, उस मूवी में इंटरसेप्टर सिस्टम रहता है, उसी को ब्लॉक, इसको कहते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। ये यहाँ जाएगी और इसको ब्लास्ट कर देगी, या तो ये कर सकते हैं, या फिर टर्मिनल फेज जिसमें ये यहाँ पर जाकर इसको ब्लास्ट करेगी, ये। तो जो मिड फेज होता है इसके लिए हमारी मिसाइल ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल है कैसी होनी चाहिए? ICBM है ना भाई। यहाँ पर तो ड्रोन से हमने कर दिया, पास में था, थोड़ी दूर था, स्पीड कम थी। अब तो वो जो मिसाइल है वो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, तो हमारी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होनी चाहिए इसके लिए, तभी मिड फेज में इसको हम कहीं पर गिरा सकते हैं लंबी दूरी की, है ना। ये होनी चाहिए हमारी, और हमारा रडार भी बहुत शानदार होना चाहिए। उस 20 मिनट में हमें पता करना है कि किस समय वहाँ पहुँचेगी और हमारी मिसाइल भी उसी समय वहाँ पर पहुँच जाए, वरना फिर आपस में टक्कर ही नहीं होगी, है ना। ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है, तो इसलिए ये। और तीसरा होता है टर्मिनल फेज। लेकिन टर्मिनल फेज में क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर में जब फिर इंटर कर रही होती है, पहले एटमॉस्फेयर से बाहर जा रही है, वो आपकी बूस्ट फेज हो गया, फिर एटमॉस्फेयर के बाहर है, और फिर जब वापस एटमॉस्फेयर में आने लगती है तो वो टर्मिनल फेज होती है, बिल्कुल दगने की तैयारी। लेकिन इससे क्या होता है, अगर न्यूक्लियर वॉरहेड है तो रेडिएशन का खतरा बन जाएगा। अगर न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जी। ये 3 जगहों पर हम मिसाइल को रोकते हैं, ठीक है। और हमारा मिसाइल सिस्टम इसीलिए कैसा है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ठीक है। ये तो चाहे ये टारगेट मिसाइल हो जो आ रही है, इसको कहा जाता है टारगेट मिसाइल। ये है आपकी टारगेट मिसाइल। ये हमारा भी इसने टारगेट बनाया और हमारी टारगेट मिसाइल है कि हमको इसको गिराना है। दूसरी वाली को बोला जाता है इंटरसेप्टर मिसाइल, और दोनों की ही स्पीड 24,000 किलोमीटर पर आर होती है। अब इतनी स्पीड में टक्कर भी होनी ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। इतनी स्पीड में टक्कर हो पाएगी कि नहीं, बड़ी बात तो ये है। पीछा पीछा खेलेंगे ना, कौन छुअम छुआई है ना, दौड़ वाला खेलेंगे, तो इसमें इतनी स्पीड में टक्कर होना भी तो ज़रूरी है, इसलिए सटीक होना चाहिए। इसीलिए साइंटिस्ट जो है इसको लेकर हमेशा डाउटफुल रहते हैं कि टेस्ट में तो पास हो जाता है, लेकिन जब उनकी मिसाइल आएगी और कहीं पर उसने स्पीड में थोड़ा सा चेंज कर दिया तो आपकी मिसाइल उसको टारगेट नहीं कर पाएगी। ये है इस तरीके से, स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये तो हम देखिए, हमने 2 फेज़ में अपना बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है बनाया है कि अगर एक मिस कर जाए तो दूसरा वाला जाकर उसको ब्लास्ट कर दे। तो हमने पाकिस्तान से अगर कोई अटैक होता है बैलिस्टिक मिसाइल का, पाकिस्तान से वो भी कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल, तो हमने अपना जो डिफेंस सिस्टम बनाया है वो 2 स्टेजेस का बनाया है। एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करे, 2 स्टेजेस। ये
ठीक है। पहला है पैड और दूसरा है एड। पहला है पैड, दूसरा है एड, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, और दूसरा है आपका एडवांस एयर डिफेंस। तो पृथ्वी एयर डिफेंस क्या है, ये जब मिसाइल बहुत दूर रहेगी, लगभग एटमॉस्फेयर में 50 से 80 किलोमीटर की हाइट पे रहेगी, वहाँ के लिए है, ताकि खतरा, तो 50 से 80 किलोमीटर की हाइट पर मिसाइल। और दूसरी वाली तब होती है जब वो एटमॉस्फेयर में इंटर कर चुकी हो, है ना। तो एक बार तो हम वहाँ टारगेट करेंगे, और मान लीजिए वहाँ पर मिस हो गया, तो हम फिर जब मिसाइल बिल्कुल एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाएगी, क्योंकि हमारे पास ड्रोन वाला सिस्टम नहीं, अमेरिका के पास है, तो इसीलिए हम लोग कौन सा मिड और टर्मिनल जो होता है यहीं पर कर पाते हैं। अमेरिका के पास तीनों वाला सिस्टम है, हर जगह उसके ड्रोन भी उड़ते रहते हैं, फिर मिड वाला भी है और फिर ये वाला भी है ना, ये याद रखिएगा। तो हमारे पास जो है वो दो स्तर का है, एक तो जब एटमॉस्फेयर में 20 मिनट्स के लिए रहेगी बैलिस्टिक मिसाइल, तो उसके लिए है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। और फिर दूसरा है जब एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाएगी, है ना, टर्मिनल फेज आएगी, उसके लिए है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ये दो सिस्टम हमने बनाए हुए हैं, ये 30 किलोमीटर की हाइट पर वर्क करेगा तक के लिए बनाया गया। मिसाइल जब 30 किलोमीटर की हाइट पर हो तब डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बनाया गया, ठीक है ना। ये दोनों ही सिस्टम, कोई मिसाइल जो 5000 किलोमीटर दूर से छोड़ी गई हो तभी हो पाएगा, ज़्यादा पास से छोड़ेंगे क्रूज मिसाइल तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये दोनों कब वर्क करेंगे, 5000 किलोमीटर से अगर कोई मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जाए उसके लिए, है ना। ये पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का जो हमारा ट्रायल हुआ था सक्सेसफुल, वो हुआ था नवंबर 2006 में, और उसके अगले ही साल एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का हमने ट्रायल लिया था दिसंबर 2007 में। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बूस्ट फेज, मिड फेज और टर्मिनल फेज बता दिया था। अगर ये फेज ना पढ़े तो फिर बस पढ़ते रह जाएंगे, हमारे पास दो डिफेंस सिस्टम हैं, ये है वो है, दुनिया भर का पढ़ रहे हैं और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना। ये तो जब हमने दोनों टेस्ट कर लिए, तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम वाले 5th नंबर के कंट्री हम बन गए। तो हमसे पहले एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भारत से पहले यूएसए के पास, इज़राइल, उसी से हमने ख़रीदा हुआ है, इज़राइल से ख़रीद के तो हमने अपना बनाया हुआ है, चाइना और रशिया, और 5th नंबर पर अब आ गया है इंडिया। इंडिया 5th नंबर पर है, ठीक है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। तो हमने इसराइल से एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लिया है, नाम है बराक, बराक रिवर है वहाँ पर, उसी के नाम पर इसका नाम
रखा गया है। ये हमने कहाँ से ली है? इज़राइल से। ठीक है, और इसको इंडियन नेवी के शिप पे लगाया गया और इसका टेस्ट किया गया था टू थाउजेंड थ्री में। देखिए आपको दिखा देते हैं, ये है आपका लॉन्चर। ठीक है, ये है आपका लॉन्चर जिसमें से मिसाइल छोड़ी जाती है। ठीक है ना, एक बार में इसमें आठ मिसाइलें छोड़ सकते हैं आप। इसको हमने शिप पे लगाया हुआ है ना, दिख रहा है शिप पे, और इससे आप बराक, ठीक है, इनको इंटरसेप्टर मिसाइल भी कहा जाता है, इंटरसेप्ट है ना। ये फेजेस दी हुई हैं कहाँ कहाँ पर हम इसको, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। ये हाउ इंडियाज मिसाइल डिफेंस सिस्टम विल वर्क। ठीक है, ये मोबाइल लॉन्चर के साथ रखा हुआ है ना। कैसे, लेकिन इन्होंने देखते हैं दूसरा वाला शायद इस पे। In a world of new and evolving threats, the number and sophistication वो लगा हुआ है एंटी-मिसाइल सिस्टम। So what if a hostile missile was launched against a NATO nation? In this case, there would be only minutes to react. NATO's ballistic missile defense system uses networks. तुरंत जो है सैटेलाइट से पता हो गया। इंटरसेप्टर मिसाइल, सी बेस रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल सब ट्रैक हो गया, सब तरफ से ट्रैक हो गया। देख रहे हैं, इस शहर को निशाना बनाया गया है ना। Once the threat is pinpointed, the best suited interceptor launches from sea or from land to neutralize the attacking missile. जे वहाँ से छोड़ी गई और यहाँ पर जे इस तरह से आपका है ना मिसाइल डिफेंस सिस्टम वर्क करता है।